बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई डिश लेके आए हैं, मसाला भिंडी। चलते अपनी वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किलो भिंडी है, चार कटी हुई प्याज है, आधा किलो घी है, चार कटे हुए टमाटर हैं, एक चम्मच लाल मिर्चें हैं, एक चम्मच हल्दी का पाउडर है, अदरक लहसुन पिसा हुआ है, एक चम्मच जीरा है, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ है, एक चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, दो चम्मच नमक है, एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च है। अभी हम देखें इसको पकाने के लिए। कढ़ाई चढ़ाई हमने, ये सबसे पहले जो ये घी रखा हुआ, सबसे पहले ही मैं घी डालूंगी। सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी और बाकी है ना बाद में डालूंगी। अभी ये 5 मिनट में गर्म हो जाएगा, इसमें मैं सबसे पहले भिंडी डालूंगी। ये घी गर्म हो चुका, 5 मिनट हो गए। घी में अच्छी तरीके से बुलबुले से आने शुरू हुए, इसके अंदर ये भिंडी डालूंगी। दस मिनट तक इसको भी इसमें फ्राई करूंगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको इसी तरीके से फ्राई करके। मैं इसमें ना एक चम्मच करीब नमक डालूंगी, जो इसके अंदर अंदर चले जाए भिंडी के अंदर। अब 5 मिनट और इसमें है ना फ्राई करूंगी नमक डाल के। देखें 10 मिनट हो गए, हम इसको निकाल लेंगे। जो इसमें तेल है, इसी तेल के अंदर घी के अंदर मैं प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। ये देखें मैंने निकाल लिया है इसमें। अब मैं मसाले की तैयारी करूँ, जिसमें घी पड़ा हुआ है इसके अंदर और घी डाल ली है। इसमें मैं मसाला तैयार करूँगी। ये घी गर्म है अभी, इसके अंदर मेरे पास एक कटी हुई प्याज रखी, मैंने ये डाल दी। 5 मिनट तक ये प्याज को गलने के लिए छोड़ूंगी और साथ में टमाटर भी डाल दे रही हूँ गलने के लिए। दोनों चीज़ साथ साथ गल जाएगी। गलाती रहूँगी। ये देखें 5 मिनट हो गए इसको, ये हल्के हल्के से हो गया ना। ये हम इसके अंदर ये जीरा डालूंगी। जीरे को भी डाल के 10 मिनट तक इसको छोड़ दूंगी गलने के लिए। हम ढक्कन लगा दें इसमें। हम 10 मिनट तक भी इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें 10 मिनट हो गए, ये सारी चीज़ें गलने पे आ गई हैं। हम इसके अंदर अदरक लहसुन रखा हुआ ये डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसमें अदरक लहसुन को 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखें 5 मिनट तक अच्छी तरीके मैंने इसमें लहसुन में लहसुन प्याज टमाटर की अच्छी तरीके मैंने भुनाई करी है। हम इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे। हल्दी मैंने 1 चम्मच डाली है इसमें, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची, इससे कलर अच्छा आ जाता है। गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, फिर नमक फ्राई में भी डाला था, नमक तेज़ हो जाएगा। चलो अभी देखिए इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी डाला है और इसको 15 मिनट तक के लिए गलने के लिए रखूंगी सारे मसाले को ढक्कन लगा के। ये देखिए 15 मिनट तक के लिए मैं इसमें ढक्कन लगा रही हूँ और उसके बाद इसको फिर मैं भिंडी डालूंगी, ये जब तक गल जाएगा जब तक सारी चीज़ें। ये देखें 15 मिनट हो गए, अब मैं इसको खोली अच्छी थी, मसाला भुनने पर आ गया। हम इसको 5 मिनट तक और चलाऊंगी। ये देखें अच्छी तरीके से आ गया भुना, मैंने स्लो आँच पर किया, अभी मैंने थोड़ी आँच है ना तेज की है। अब 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनूंगी, फिर इसके बाद मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी, मसाला भिंडी तैयार हो जाएगी। अभी देखें 5 मिनट हो गए हैं,
अच्छी तरीके से मैंने घी छोड़ दिया मसाले में, हमने इसके अंदर ये डाल दी भिंडी। मिनट के लिए मैं ढक्कन लगाऊंगी, इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, जो मसाले के टाइम पे डालता है वही पानी डाला। उसके बाद मैंने पानी डाला, चूल्हा चूल्हा करके इसको दम पे दे दूंगी 10 मिनट के लिए। मसाला भिंडी तैयार, पहले मैंने आग स्लो करी है, अभी इसको मैंने ढक्कन लिया। ये देखें 10 मिनट हो गए, मसाला भिंडी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें अब इसमें जो बाकी नमक था, शक हो रहा है थोड़ा सा कहीं कम ना हो, मैं इसमें डाल देती हूँ फिर भी, वैसे कम तो नहीं होगा, हल्का हल्का सा डाल दूँगी। ये देखो मसाला भिंडी तैयार, अब मैं इसको बाउल में निकाल दूँगी। ये देखें मसाला भिंडी तैयार हो गई, पक चुकी है। ये देखें मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, अब मैं इसमें ऊपर से सजावट करूँ धनिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें हमारी मसाला भिंडी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है।